आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। छात्रवृत्ति को लेकर छात्र छात्राएं परेशान हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर छात्र छात्राएं दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब भी विभाग में जाते हैं तो कोई भी सही जवाब नहीं देता है, कर्मचारी भी ठीक से बात नहीं करते हैं। मैं इस वक्त विकास भवन में हूँ, यहाँ पर कुछ छात्र छात्राएं आए हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए, परेशान हैं। उनसे बात करते हैं, आखिर उनकी दिक्कत क्या है, क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है सर कि दो साल से समथिंग हमारी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, और दिक्कत ये आती है उसमें लिखा आता है पूरा, मतलब हमारा फॉर्म पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है, उसमें पूरा होने के बाद भी उसमें लास्ट में पूरा स्टेटस आता है मार्क मिसमैच। अब एक चीज़ बताइए, जब प्रमोटेड जो बच्चे होते हैं तो उनका मार्क मिसमैच से क्या संपर्क है, ये बताओ मुझे। अगर मार्क्स जो है आपका मिसमैच आ रहा है तो कौन सही करेगा उसको? इसी तो ये बोलते हैं कि कॉलेज वाला सिस्टम है। अब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज वाले ये बोलते हैं समाज विभाग जाओ, फिर यहाँ आते हैं तो ये बोलते हैं कि लखनऊ जाओ, मतलब ये पूरा लखनऊ से चल रहा है पूरा सिस्टम, ये बोलते हैं ये कि लखनऊ से आएगी। आपको गवर्नमेंट पर फंड नहीं है, डायरेक्ट ये बोलते हैं गवर्नमेंट पर फंड नहीं है, फंड आ जाएगा जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी। आपकी क्या समस्या, आप किस लिए आए यहाँ पे? मेरी सर मेरी भी यही समस्या है स्कॉलरशिप की, कि आती है नहीं, ये लिख देते हैं कभी। मेरी हम तीन भाई बहन भाई हैं, तीन सिस्टर हैं मेरी, एक मैं हूँ। तो सर दोनों स्टडी कर रही हैं, दो एमए कर रही हैं बड़ी वाली, तो उनके में ये लिखा गया था पहले कि गवर्नमेंट के पास फ़ंड नहीं है, गवर्नमेंट फंड नहीं है। ये लखनऊ से लिख के आया था, जो स्टेटस आता ना फॉरम उस पर ये लिख के आया था, प्रॉब्लम ये स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आई है कि गवर्नमेंट के पास वो नहीं बचा है फंड। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि गवर्नमेंट के पास कोई फंड बचता भी है कि नहीं? चुनाव में तो फंड खूब चला गया और यहाँ पर फंड ही नहीं है 7-8 हज़ार रुपये देने के लिए। गवर्नमेंट पर ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी क्या समस्या, आप किस लिए आ रहे हो? सर मेरा मतलब स्कॉलरशिप में सब कुछ वेरीफाई है, बस अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। कितने साल? अभी तो फर्स्ट ईयर है मेरी। अभी फर्स्ट ईयर, कितनी आती है आपकी, कितनी स्कॉलरशिप आती है आपको? आई है सर 3500 के लगभग आएगी, 3500। क्या कर रहे हैं आप? बीए। बीए कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बीए कर रहा हूँ अभी। अच्छा, किसी का भी आनी है आपकी? इतनी आती 3500 के कुछ लगभग, इतनी आती 3500। कितने महीने हो गए आपको नहीं मिला अभी? ये साल से होने पर आ रही है। अच्छा, ये कब मिलना चाहिए था आपको, ये कब मिलना चाहिए था, कितना वक्त? फरवरी तक में मिल जाती है, फरवरी जनवरी। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए आपको स्कॉलरशिप मिलनी कब थी, कब मिलती, कब कब मिलती है? यही महीना होता है लास्ट, 25 मार्च को। तो मतलब 25 2021 में नहीं मिला आपको और इधर भी नहीं मिला है? फॉर्म जो फॉर्म है वो वेरीफिकेशन हो चुका है समथिंग हमारा दूसरे महीने में हो चुका है फरवरी में, अब मेरा तीसरा राउंड है यहाँ का, तो अब भी यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, जब फंड आ जाएगा जब आ जाएगी, और पहले भी यही बोला था। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो बाबू, वो क्या कहते हैं? वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, फंड आ जाएगा जब आपकी आएगी। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं सर, और ठीक से बात ही नहीं करते हैं। ये बोलते हैं हमें नहीं पता कब तक आएगी, बस ये बोल देते हैं। सरकारी पूछा क्लियर कि हम आपके राउंड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हमें क्लियर ये तो बता दो आएगी या नहीं आएगी। अब एक बात बताओ, मेरे पिताजी किसान है, ठीक है, 35,000 रुपये मैंने भरे हैं पिछले साल भी, इस साल भी 17,000 रुपये होते हैं, ठीक है, कहाँ से लाएँ? क्या करते हो आप? भी आए स्कॉलरशिप के लिए? BSCA जी। कितने स्कॉलरशिप चाहिए आपको? स्कॉलरशिप तो मैंने सर तीन साल भरा था फॉर्म स्कॉलरशिप का, 3 साल आई नहीं, 34 साल मैंने भरा ही नहीं। अच्छा, कितनी फीस थी आपकी? फीस हमारी थी सर 22,000। क्या? अच्छा, तो BSCA एग्रीकल्चर, तो एक भी बार नहीं आई? नहीं आई सर। फिर आपने कैसे पढ़ाई की फिर? वो सर मैनेजमेंट किया, फिर हमारे पिताजी भी किसान ही हैं। चेंज कर दिया, कोर्स ही चेंज कर दिया? नहीं, कोर्स चेंज नहीं किया। मैं तो खुद EWS वाला हूँ, मैं EWS वाला हूँ, जब EWS वाले की नहीं आ रही है तो ये किसकी देंगे? यहाँ पर विकास भवन में बड़ी समस्या ये है कि यहाँ बाबू और जो अधिकारी हैं वो ठीक से कहते हैं, ये छात्र छात्राओं कहना है कि बात नहीं करते हैं यहाँ आने के बाद। उनको कई बार अभी 2 साल से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, 35,000 रुपये साल की बच्चों की फीस है। अपना कोर्स करें या कॉलेज के, विकास भवन के, या फिर लखनऊ के दफ्तरों के चक्कर काटते रहें, अपना समय बर्बाद करते रहें। इनकी मांग है कि इनकी जो है स्कॉलरशिप तत्काल दी जाए और सरकार इनको प्रोवाइड कराए, और जो यहाँ पर व्यवहार है बाबुओं का उस व्यवहार में भी चेंज आए। कैमरा पर्सन अनूप साथ, विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।